आप तीनों सब्जेक्ट में जो टीचर बता रहा है पहले उसको करके देखो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपके साथ उस चीज में बुरी हो जाए ना, और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने जो लेक्चर पढ़ाया है वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, कंसेप्ट सारे टीचर क्लास में बता ही रहे हैं और वो हर जगह बताया जाएगा, कहीं ये नहीं कि यही प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बताया जाएगा। लेकिन मैं स्ट्रेस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि मैं वहां पे स्ट्रेस दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से सुन लो, इस चीज को कर लो, ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन के पीछे ये दौड़ रहे हो, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें ये दौड़ रहे हो कि क्यों हो रहा है ऐसे, आपने सर इतने सारे फॉर्मूले थे, उन सारे फॉर्मूले में से यही क्यों लगाया, अगर आप उन चीजों को पकड़ लिए ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने नोट्स करें, एचसी वर्मा करें, मॉड्यूल करें और बस पीवाईक्यू करके खत्म कर दें अपने चैप्टर को, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपने जो करा उसमें आप जबरदस्ती अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे तो वो डिमोटिवेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे उस पॉइंट पर, ठीक है, तो हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट खराब हो। आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करके चलना है, मैं कह रहा हूं अभी आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करके चलना है। कुछ बच्चों को फिजिक्स नहीं बन रहा होगा, मैं मान सकता हूं, कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं बन रहा होगा, मैं मान सकता हूं, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री नहीं बन रहा होगा। मैंने उस बच्चे को एक ही बात बोली, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे, लिटरली बता रहा हूं आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पास एनआईटी है, ठीक है, आप आईआईटी में नहीं पहुंच पाएंगे, आपको तीसरा सब्जेक्ट भी उठाना ही पड़ेगा अगर आईआईटी में जाना है। और अगर आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है, भले वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, तो लिखवा लीजिए, आप ड्रॉपर बनने वाले। मैंने एक बार क्या कर रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसी घूम रहा था, मैंने कहा यार घंटी पड़ी है यहाँ पे, हम दोनों देख रहे भाई घंटी पड़ी है यार, किसी से तो बेल बजती है, हम दोनों ने उसका वो हथौड़ा था ना वो चुरा लिया,